शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद से ये फिल्म हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहले दिन फिल्म ने 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद संडे को भी फिल्म ने 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई का इतिहास रच दिया। चलिए जानते हैं जवान का 5वें दिन यानी कि पहले मंडे टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा। सिर्फ 4 दिनों में शाहरुख खान की जवान ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जो ज्यादातर फिल्में अपनी लाइफ टाइम में नहीं कर पाई। फिल्म का क्रेज ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है और भारत पाकिस्तान मैच के बावजूद सिनेमाघरों में फिल्म देखने की जबरदस्त भीड़ नजर आई। इसी के साथ संडे को फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ 80 करोड़ का कलेक्शन किया जिसमें हिंदी वर्जन में सबसे ज्यादा 71 करोड़ 63 लाख, तमिल में 5 करोड़, तेलुगु में 3 करोड़ 47 लाख रुपए का कलेक्शन शामिल है। वहीं अब जवान की मंडे टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया है जो बेहद शानदार रहा। सिग्नल की अली रिपोर्ट ट्रेड मुताबिक जवान ने रिलीज के 5वें दिन यानी कि पहले मंडे को 30 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ जवान के 5वें दिन का कुल कलेक्शन 316 करोड़ रुपए हो गया है। पहले मंडे को गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने से चूका है। वेल आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन में ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। इसी के साथ ही फिल्म साल 2023 का 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली बॉलीवुड की तीसरी फिल्म भी बन गई है। हालांकि जवान अपने पहले मंडे की कमाई से गदर 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। दरअसल गदर 2 ने अपने पहले सोमवार को 38.7 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि जवान ने पठान का पहले मंडे का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। पहले सोमवार को पठान का कलेक्शन 26 करोड़ रुपए था। वेल, क्या आपने जवान मूवी देख ली है या फिर देखने का प्लान कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बट टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।